हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वीएल ट्रैवल एंड ब्लॉग। तो दोस्तों, आज हम जा रहे हैं मेट्रो सफ़र करने के लिए और आपको बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप मेट्रो सफ़र के बारे में। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, वीडियो को स्किप ना कीजिए और लास्ट तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। हम पहुँच गए हैं और ये जो रास्ता है ये अंडरग्राउंड है, मेट्रो का जो रूट है वो भी अंडरग्राउंड है। आप देख सकते हो ये पूरा जो अंडरग्राउंड बनाया हुआ है। और ये जो मेट्रो स्टेशन है ये चेन्नई का है। इसका जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल एयरपोर्ट जैसा लग रहा है। अभी हम पहुंच चुके हैं टिकट काउंटर, यहाँ पे आप टिकट फ़ोन पे या गूगल पे भी कर सकते हो। टिकट लेके यहाँ पे स्कैन करना है, टोकन है तो टोकन यहाँ पे स्कैन करना है, तब ये गेट खुलेगा। टिकट लेने के बाद आपको प्लेटफॉर्म बताया जाता है कौन से प्लेटफॉर्म में आपकी मेट्रो आने वाली है। तो हम अभी जा रहे हैं प्लेटफॉर्म पे जहाँ हमारी मेट्रो आने वाली है। हमारी मेट्रो आ चुकी है तो हम अभी बैठने वाले हैं। रुकेगी, उसके बाद ऑटोमेटिक गेट खुलेगा। अभी गेट खुल गया है, हम अभी अंदर बैठ गए हैं। ट्रेन में ज़्यादा भीड़ है। हमारा ड्रॉप स्टेशन आ गया था, हम यहाँ पे उतर गए। अभी अंदर का वीडियो नहीं बना पाया था ज़्यादा भीड़ की वजह से, और अंदर ऐसे इतना ही फुल था जैसे कोई आप आइसलैंड देश में टूरिज्म गए हुए ऐसा फील हो रहा था। और हम अभी जा रहे हैं वापस। एक्सीलेटर देख सकते हो, आप कोई भी स्टेशन में जाओगे तो आपको एक्सीलेटर यहाँ पे का मिलेगा चढ़ने के लिए और उतरने के लिए। एक और बात बताऊंगा, जब आप रेगुलर ट्रैवल करते हो तो आपको टिकट लेने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपको एक मेट्रो कार्ड बनाना पड़ता है। वो आप बना के यहाँ पे आप ट्रैवल कर सकते हो। मेट्रो कार्ड आपको मेट्रो स्टेशन में ही निकल जाएगा। चेन्नई मेट्रो में पहली बार मेट्रो सफ़र किया, बहुत ही मज़ा आया। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं आज का व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जय हिंद, जय भारत।